दोस्तों नमस्कार। आज के डिस्कशन का शेयर है ड्यूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन मेन बिजनेस क्लीन टेक्नोलॉजी का है। ये पॉल्यूशन कंट्रोल के क्षेत्र में काम करती है, उस पे इसका ज़्यादा जोर है। और ढेर सारी इंडस्ट्रीज़, लगभग हर तरह की इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे भी बॉयलर्स हैं उनमें इनके इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड ये इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उनमें जैसे थर्मल पावर प्लांट में जो फ्ल्यू गैस निकलती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो उस सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर को निकालने का काम करते हैं, मतलब सल्फराइजेशन का काम करते हैं। वेट स्क्रबर बनाते हैं या सप्लाई करते हैं, वैक फिल्टर सप्लाई करते हैं, साइक्लोन्स बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। ये मटेरियल हैंडलिंग के क्षेत्र में भी हैं, बेल्ट कन्वेयर सिस्टम बनाते हैं, पाइप कन्वेयर्स बनाते हैं, एयर स्लाइड्स बनाते हैं, साइलो सिस्टम है, बल्क पाउडर हैंडलिंग सिस्टम है, न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स हैं। ये इंफ्रा सर्विसेज भी देते हैं, जैसे फ्लाई ऐश हैंडलिंग, जहाँ पे भी बॉयलर्स होता है वहाँ पे फ्लाई ऐश निकलती है, उसकी हैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट देते हैं और लगाते हैं, बनाते हैं, लगाते हैं। रेलवे वैगन्स की लोडिंग और अनलोडिंग का सिस्टम भी देते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। वीडियो सिक्योरिटी सर्विलेंस इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स देते हैं। मेनली कंपनी हर तरह की इंडस्ट्रीज जहाँ पे बॉयलर्स हैं वहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, और वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर्स के भी बहुत ज़रूरत रहती है, कन्वेइंग सिस्टम्स की भी बहुत ज़रूरत रहती है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन में भी हैं, सर्विलेंस और सिक्योरिटी में भी काम करते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम पे इनका पूरा जोर है। ये क्लीन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ये क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, जिसपे इनकी इनके क्लाइंट्स इंडिया और एब्रॉड दोनों जगह हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा है, हर इंडस्ट्री पॉल्यूशन कंट्रोल को इक्विपमेंट्स को लगाना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रेशर है और इन्वायरमेंट को सेव करने का भी प्रेशर है। तो इस तरह की कंपनियों की फ्यूचर बहुत अच्छा है, इस तरह की कंपनियों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आगे इनके सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट पड़नी पड़नी है, हर एक इंडस्ट्री पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड इक्विपमेंट गवर्नमेंट के प्रेशर में, गवर्नमेंट की नॉर्म्स की वजह से भी लगा रही है और इन्वायरमेंटल को बचाने के लिए भी लगा रही है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पिछले 4 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2021 में कंपनी ने 342 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट जीरो था। 2022 में 384 करोड़ का रिवेन्यू, प्रॉफिट 4 करोड़। 2023 में 396 करोड़ का रिवेन्यू, प्रॉफिट 4 करोड़। 2024 में 420 करोड़ का रिवेन्यू, प्रॉफिट 8 करोड़। ईपीएस की बात करें तो 0.02 2021 में, फिर 0.24 2022 में, 0.16 2023 में, 0.29 2024 में। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 0.45 2021 में, फिर 2022 में 0.55, फिर 2023 में 0.78, फिर 2024 में 0.86। तो डेट टू इक्विटी का रेशियो बढ़ रहा है हर साल, कर्ज कंपनी बढ़ा रही है। ईपीएस 2024 में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रिवेन्यू भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। रिवेन्यू ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए ईपीएस भी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा कर्ज भी बढ़ाया हुआ है। अब रिवेन्यू को पिछले साल सालों 4 सालों के रिवेन्यू पे एक नज़र डालते हैं। 2021 से 2022 में बढ़ा हुआ, 2022 से 2023 में बढ़ा हुआ, 2023 से 2024 में बढ़ा हुआ। प्रॉफिट भी ईयर ओवर ईयर बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी ओवर ईयर बढ़ रही है। इसका मतलब कंपनी ठीक काम कर रही है और आगे इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है। जिस क्षेत्र में कंपनी है उसमें डिमांड बना बनी रहनी है और काम मिलना ही मिलना है। और कंपनी ने किसी कंपनी के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पैक्ट भी किया है, तो हो सकता है कुछ और नई चीज़ भी कंपनी जोड़ रही होगी।
क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 क्वार्टर में 91 करोड़ का रिवेन्यू था, 61 लाख का प्रॉफिट था। सितंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 108 करोड़ का रिवेन्यू था, 81 लाख का प्रॉफिट था। दिसंबर 23 क्वार्टर की बात करें तो 112 करोड़ का रिवेन्यू था, 3 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट था। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 106 करोड़ का रिवेन्यू था, 3 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट था। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 109 करोड़ का रिवेन्यू था, 3 करोड़ 7 लाख का प्रॉफिट था। जून 23 क्वार्टर से जून 24 क्वार्टर का रिवेन्यू भी बहुत शानदार है और प्रॉफिट भी बहुत शानदार है। जून 24 क्वार्टर का रिजल्ट जून 23 क्वार्टर से बहुत ही शानदार। FIs के शेयर 0.1%, DIs के शेयर 0.0%, पब्लिक के शेयर 48.03%, प्रोमोटर के शेयर 51.97%, डेट टू इक्विटी 0.86, रिजर्व और सरप्लस 94 करोड़ का, बोरोइंग्स 103 करोड़ की, फेस वैल्यू 1 रुपया शेयर का, बुक वैल्यू 4.63 रुपीज, 52 वीक लो 5.6, 52 वीक हाई 12.75, शेयर का प्राइस 21 अगस्त 2024 को 9.72 रुपये। पिछले एक महीने में शेयर के प्राइस काफ़ी बढ़े हैं, शेयर की वैल्यू अनलॉक हुई है। सेक्टर का पी 24.92, स्टॉक का सेक्टर का पी 20.60, स्टॉक का पी 24.92, सेक्टर की पी से स्टॉक का पी ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छा सिम्टम नहीं है। डिविडेंड यील्ड 0% है। बोनस की हिस्ट्री रही है, 2022 में कंपनी ने 10 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया है। दोस्तों, इस रिसर्च से ये एक बात साबित हुई कि कंपनी जिस फील्ड में है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं आगे बढ़ने के लिए और डिमांड बने रहने की पूरी गुंजाइश है। और कंपनी नई पैक्ट भी कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए भी किसी दूसरी कंपनी से बात कर रही है। कंपनी की इस तरह की कंपनी का फ्यूचर और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। कंपनी के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शेयर के वैल्यू अनलॉक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी ने 4 सालों में बताया कि रिवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, आगे काम और भी बढ़ने के चांसेस दिखते हैं। कंपनी के इक्विपमेंट की डिजाइन रिक्वायरमेंट हर तरह के इंडस्ट्रीज में है और कंपनी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगता है मेरा। दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। इस वीडियो के आधार पर न तो शेयर खरीदें न तो शेयर बेचें। कोई भी शेयर मेरे वीडियो का उपयोग आप अपने रिसर्च के लिए करें, अपने रिसर्च के बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, इसके बाद में ही शेयर खरीदें या बेचें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन करें कि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।